बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर दलील पेश करने के दौरान वकीलों के दो पक्ष आपस में भिड़ गए, मारपीट हुई। घटना जिला कोर्ट की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर मामले को शांत कराया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। अमित राणा से इस पर अपडेट लेते हैं। अमित, ताजा हालात क्या है वहां के? आस्था जी, आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला गाजियाबाद के जिला न्यायालय का है, जहां पर जिला जज के यहां पर एक इसी मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। वहीं कुछ वकीलों का कहना था कि जिला जज की तरफ से कोई बदतमीजी उनके साथ की गई, इसी बात को लेकर वकीलों के दो गुट आपस में भिड़ गए और जिला जज के साथ में वहां बदसलूकी की बात कही जा रही है। वहां पर हालात इस कदर बिगड़ गए, वहां हाथापाई की नौबत आ गई और वहां जमकर हाथापाई भी हुई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची कबीनगर पुलिस ने जाकर वहां पर मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन वकीलों का जो आक्रोश था वो बढ़ता हुआ देखते हुए पुलिस को हल्का सा बल प्रयोग वहां पर करना पड़ा, जिसके बाद वकीलों को तितर बितर किया गया है। इस दौरान दो से तीन जो वकील हैं वो मामूली रूप से चोटिल भी हुए हैं। हालांकि पुलिस का कहना यह है कि एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल वहां तैनात कर दिया गया है ताकि स्थिति को सामान्य बनाया जाए। अगर अभी की स्थिति की मैं बात करूं तो वकीलों के अलग अलग गुट वहां खड़े हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना यही है कि जिला जज की तरफ से लगातार बदतमीजी की रही थी, जिसके चलते सारा मामला सामने आया है। जिरह के दौरान ये सारी बातें उठकर आई थी, जिसके चलते बातचीत तहासों में तक नहीं रही, उसके बाद मारपीट तक पहुंची, जिसके बाद पुलिस को भी वहां पहुंचना पड़ा और मामले को संभालना पड़ा। हालांकि अगर अभी स्थिति की बात करूं तो अभी स्थिति एकदम सामान्य वहां की बताई जा रही है। जी, किस मामले की सुनवाई चल रही थी जिसमें जिरह के दौरान वकील आपस में एक दूसरे पर मारपीट पर उतर आए? बताना चाहूंगा कि जिला जज के सामने जो मामला चल रहा था उसमें दो पक्ष थे जिनकी हत्या हुई, मामला चला था उसमें जो एक पक्ष था उसका कहना यह था कि जो आरोपी है उसको फांसी की सजा दी जाए। इसी बात को लेकर वहां तलखी इस कदर बढ़ी कि वो नोकझोंक में तब्दील हो गई, नोकझोंक के बाद मारपीट तक नौबत वहां पर आ गई और इसमें इस दौरान वकील के पक्ष का एक पक्ष का कहना यह है कि जो कुर्सी पर जज मौजूद थे उनके द्वारा बदसलूकी की गई वकील के साथ, जिसको लेकर ये तनाव बढ़ा। तनाव इस कदर बढ़ा कि नोकझोंक के बाद हाथापाई और हाथापाई के बाद वहां पर जमकर लात घूंसे भी चले, जिसमें दो से तीन वकील मामूली रूप से घायल भी हुए हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि मामले को सुलटा लिया गया है और स्थिति सामान्य बना दी गई है। एहतियात के तौर पर वहां पर खासी तादाद में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। जी, आप नजर बनाए रखें, फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और खबर बुलंदशहर से है। परिषदीय स्कूल में छात्राओं को मुर्गा बनाकर सजा देने का आरोप है, वीडियो भी इसका सामने आया है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दावा किया जा रहा है कि स्कूल नहीं जाने पर मुस्लिम टीचर ने हिंदू छात्राओं को मुर्गा बना दिया। वीडियो के आधार पर बीएसए ने जांच के आदेश दिए। मामला विकासखंड ऊंचा गांव क्षेत्र का है, तो आरोप है कि यहां पर छात्राओं को मुर्गा बनाकर सजा दी गई। हालांकि ये वीडियो कब का है, कहां का है, न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो वायरल है और बीएसए ने कहा जा रहा है इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। तमाम सवाल उठे कि छात्राओं को इस तरह सजा किस क्यों दी गई, गंभीर आरोप लगे हिंदू छात्राओं को मुर्गा बनाने का आरोप, बीएसए ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। बस्ती में बीजेपी के पूर्व सांसद और असम प्रभारी हरीश द्विवेदी ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा हिंदू धर्म के लोग धनतेरस पर सनातन धर्म को मनाने वाले लोगों से ही सामान खरीदें। साथ ही यह भी कहा कि विशेष समुदाय के कुछ कट्टरपंथी अपने समाज से हिंदुओं की दुकान से सामान खरीदने की अपील कर रहे हैं, उसी के जवाब में हमने हिंदुओं से अपील की है कि धनतेरस पर हिंदुओं की दुकान से ही सामान खरीदें। इस धनतेरस के अवसर पर, इस शुभ दीपावली के अवसर पर आप खरीदारी सनातन धर्म मानने वाले दुकानदारों के यहाँ ही कीजिए, क्योंकि कट्टरपंथ लगातार एक विशेष वर्ग के द्वारा बढ़ाया जा रहा है और कहीं कहीं हिंदुओं का बहिष्कार करने की घोषणा भी की जा रही है और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है। इसका एक उचित जवाब शिष्ट भाषा में कह सकते हैं यही है कि हिंदू को भी जागरूक होना चाहिए और अपने त्योहारों के अवसर पर खरीदारी जो भी दीपावली मनाने वाले लोग हैं, धनतेरस मनाने वाले लोग हैं, उनके यहाँ करना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली है और उसके साथ ही सलमान खान को भी धमकी दी गई है, लेकिन मामले में पुलिस धमकी देने वाले को नोएडा से गिरफ्तार किया है। आरोपी तैयब बरेली का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी के पिता का नाम मोहम्मद ताहिर है और वो बरेली में सिलाई का काम करता है। आरोपी का परिवार बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में रहता है और 8,000 रुपए महीने की पगार पर सेक्टर 92 स्थित एक कोठी में ये काम कर रहा था। पुलिस ने जीशान सिद्दीकी और
सलमान खान को धमकी देने वाले आरोपी तैयब को गिरफ्तार कर लिया, 39 थाना क्षेत्र में मौजूद है, यहीं से गिरफ्तारी हुई है और अब सीधे कोर्ट ले जाया गया है। आपको बता दें कोर्ट में मुंबई पुलिस ट्रांजिट रिमांड लेगी और उसके बाद मुंबई में पूछताछ करेगी। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक आपको बता दें तैयब सेक्टर 92 में एक पेंटर का ठेका लेकर काम कर रहा था 8,000 रुपए का, और बताया जा रहा है उसने मुंबई कंट्रोल रूम पर मैसेज किया था और धमकी दी थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने नोएडा पुलिस से संपर्क साधा था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मूल रूप से बरेली का रहने वाला है लेकिन फिलहाल वो अपने परिवार के साथ जाफराबाद दिल्ली रह रहा था और उसने मुंबई कंट्रोल रूम में कॉल करके धमकी दी थी। इसको लेकर मुंबई पुलिस अलर्ट हुई है, जिसके बाद ये तमाम कार्रवाई की गई और इसी थाना क्षेत्र से इसकी गिरफ्तारी की गई है। मोहम्मद तैयब इस वक्त सेक्टर 92 में काम कर रहा था, ठेका लिया हुआ था 8,000 रुपए का और यहाँ पर वो काम कर रहा था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है। अब तमाम चीजों की जानकारी मुंबई पुलिस भी जुटाएगी, जिसमें कि क्या ये किसी गैंग मेंबर से जुड़ा हुआ है या नहीं, इसके अलावा उसने किसके इशारे पर यह कॉल किया था, इन तमाम चीजों की तफ्तीश अब उससे मुंबई में की जाएगी। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा।